हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल शिखा नेस्ट पर। और आज हम फिर से आपके साथ हैं अपने टेरेस पर एक बहुत ही लजीज और प्यारे से फल के साथ। सब्जी कहिए, फल कहिए या जो भी कहिए, जितने भी फास्ट फूड हम खाते हैं उसमें इसका, इस सब्जी का एक बहुत ही ख़ास महत्व है। जी हाँ दोस्तों, आप देख ही पा रहे होंगे कि मैं कैप्सिकम की बात कर रही हूँ, शिमला मिर्च की बात कर रही हूँ। तो शिमला मिर्च के बारे में आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। इसको आप कैसे उगाइए, इसको, इसके लिए मिट्टी कैसे तैयार कीजिए और कैसे इससे ज़्यादा आप पैदावार ले सकते हैं, आप कैसे इसकी देखरेख कर सकते हैं, इसे कीटाणुओं से कैसे बचा सकते हैं, ये सारी, इन सारी चीज़ों पर मैं आपसे आज बात करने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंच सके और उनको इसका लाभ पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, शिमला मिर्च एक कॉमन सी सब्ज़ी है जो अब हर घर में ही पाई जाती है। आप हर घर में इसका यूज़ किया जाता है। तो आप को किसी भी तरह की सब्ज़ी बनानी हो तो इसको, इसका यूज़ करने से सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। और अगर आप किसी चाइनीज़ या फास्ट फूड की बात करें तो इसका महत्व कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो दोस्तों, नॉर्मली लोग मिर्च तो उगाते हैं, बट कैप्सिकम को उगाने में प्रॉब्लम ये आती है कि इसके लिए जो मौसम होता है वो ठंड वाला चाहिए। ज़्यादा गर्म मौसम में ये नहीं फल पाता, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। फ्रेंड्स, इसकी तीन वेराइटीज़ अभी तक हम लोग जानते हैं कि ये एक ग्रीन कलर का होता है, एक रेड कलर का होता है और एक येलो कलर का होता है। तो मैंने, मेरे पास ये रेड और ग्रीन दोनों ही वेराइटी है। हालांकि मैंने ग्रीन, येलो और रेड तीनों लगाई थी फ्रेंड्स, और ये, लेकिन मेरे पास ये दो ही वैरायटी अच्छे से डेवलप हो पाई है, येलो वैरायटी वाली अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई। फ्रेंड्स, इसको लगाने का जो सबसे कॉमन तरीका है वो है बीज से रोपना। आप अगर इसके प्लांट लगाओगे तो ये अच्छे से ग्रो नहीं करता है। इसको अगर बीज से आप उगाते हैं, अच्छे क्वालिटी के बीज आप किसी भी सीड्स के शॉप से ला सकते हैं, और उसको आप, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि छोटे छोटे कागज़ के जो कप्स होते हैं उसमें आप डाल सकते हैं, प्लास्टिक के कप्स में, या फिर ट्रे, सीडलिंग के जो ट्रेज होते हैं उसमें आप इसको बो दें, और उसके बाद 10 से 15 दिन के बीच में ही इसका जो सीडलिंग है वो तैयार हो जाता है, लगाने के लायक हो जाता है। और तब आप इसको एक 12 से 15 इंच के गमले में लगाए। देखिए फ्रेंड्स, ये एक बड़ा गमला है, 12 इंच 15 इंच से भी बड़ा है, लेकिन मैंने इसमें दो प्लांट्स लगाए हैं। आप देख सकते हो कि इसमें दो प्लांट्स मैंने लगाए हुए हैं, और इसमें मिट्टी थोड़ी कम है, तो आज मैं दिखाऊंगी, इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन भी करूँगी, तो वो भी मैं आज आपको दिखाऊँगी। और फ्रेंड्स, इसके अलावा मैंने इसमें, चूँकि सब्ज़ी है और मैंने इसको, सब्ज़ी को घर में उगाया हुआ है, तो मैंने इसमें ज़्यादा कुछ भी केमिकल नहीं डाला है। बट अब चूँकि इसकी पैदावार मुझे थोड़ी ज़्यादा लेनी है, और इससे पहले भी मैंने इसमें डाला हुआ है थोड़ा वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली वगैरह जो मिट्टी में मिलाई है, बस वही है, उसी, उससे ही ये इतना अच्छा अभी इसमें फ्रूटिंग हो रही है। इसके पहले भी मैंने 2-3 बार इसकी फ्रूटिंग ले चुकी है, इस उसके बाद की, इस सीज़न की ये दूसरी फ्रूटिंग है फ्रेंड्स। तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है बिना किसी फर्टिलाइज़र के। लेकिन मैं आपको आज थोड़ा ऑर्गेनिक के साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजेशन भी दिखाऊंगी, ताकि आप, ज़रूरी नहीं है कि केमिकल्स आप उसी प्रकार से डालें वो ज़्यादा नुकसानदायक हो, आप बहुत ही मिनिमम मात्रा में केमिकल का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब फ्रूटिंग हो जाती है तो आप स्प्रे में कभी भी केमिकल का यूज़ कोशिश करें कि ना करें। तो जड़ों में आप थोड़ा बहुत इसको बूस्ट करने के लिए दे सकते हैं, जैसे कि SSP हो गया, पोटास हो गया, इस तरह की चीज़ें आप दे सकते हैं। बट फ्रूट पे आप स्प्रे करने के लिए कोशिश करें कि इसमें केमिकल ना दें। मैं भी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऑर्गेनिक्स ही यूज़ करूँ, बट कभी कभी कुछ चीज़ों में मुझे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन पत्तों में हल्की हल्की सी अभी बारिश की वजह से
ये मुड़ गए हैं पत्ते, तो इसके लिए मुझे थोड़ा बहुत इसमें देना पड़ेगा केमिकल, क्योंकि मैंने इसमें नीम वगैरह डाल के काफ़ी देख लिया, बट उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ा है। थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ा है बट ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, तो इस वजह से आज मैं इसमें केमिकल भी थोड़ा यूज़ करने वाली हूँ, वो भी मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप कि कितनी अच्छी ये फ्रूटिंग कर रही है, और इसका साइज़ भी काफ़ी इससे बड़ा होगा, ये लगभग दुगने साइज़ का हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं। और ये देखिए इस तरह से इसमें फल पकड़ रहे हैं, ये देखिए। तो इस तरह से मैंने इसकी जो मिट्टी, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है अपने वीडियो में कि मिट्टी आप कैसे तैयार करें, चाहे आप सब्जी लगाएं या फ्रूट लगाएं या फिर आप अपने प्लांट्स फ्लावर के प्लांट्स ही क्यों ना लगाएं, वो सभी चीज़ों में आपको मिट्टी काफ़ी शक्तिशाली बनानी होगी, न्यूट्रिशियस बनानी होगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको मैंने पहले भी बताया है अपने वीडियो में, और मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि आप अपने सब्जियों के लिए, फ्रूट्स के लिए और फ्लावर के लिए एक शक्तिशाली मिट्टी कैसे बनाएं, तो आप उसको ज़रूर जाकर देखिए फ्रेंड। इससे इस मिट्टी में अगर आप मिट्टी अच्छे से बना लेते हैं तो फिर बाद में आपको कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है। साल में एक बार या 6 महीने में एक बार अगर आप फर्टिलाइज़ कर दीजिएगा तो भी आपकी सब्ज़ियाँ बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी। तो फ्रेंड्स मिट्टी उससे तैयार करके आप इसको पहले प्लांटिंग कर लीजिए, सीडलिंग तैयार करके, और उसके बाद जब ये थोड़ा ग्रो करे तो आप इस पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब भी इसको पानी दीजिए फ्रेंड्स तो इसको जड़ों में ही पानी दीजिए, आप ऊपर से स्प्रे कम ही करें, क्योंकि इस मिर्च के पौधे जो होते हैं इनको मिस्टिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, तो कोशिश कीजिए कि इसको ऊपर से पानी कम दीजिए, और अगर आपको देना भी है तो ऐसे टाइम में दीजिए कि ये बिल्कुल पानी सूख जाए, ऐसा नहीं कि आपने शाम में मिस्टिंग किया और रात भर ये भींगा रह जाए। इससे क्या होता है कि इसमें बैक्टीरिया वगैरह के प्रकोप का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और इसकी पत्तियों को आप उलट पुलट के भी बीच बीच में चेक करते रहिए, क्योंकि पत्तियों के पीछे भी कई बार कीड़े लगे रहते हैं। और रही बात कीड़ों की, तो आप मिट्टी में भी थोड़ा नीम का पाउडर मिला, नीम की खली मिलाइए, और नीम ऑयल का स्प्रे आप हर लगभग 10 से 15 दिन के अंतराल पे पत्तों पर ज़रूर करते रहिए। इससे आपके जो कोई भी फ्रूट हो या सब्जी हो, इससे आपके जो सब्जी है या प्लांट है वो बहुत स्वस्थ रहेंगे, और इस ये बिल्कुल ऑर्गेनिक भी है। तो फ्रेंड्स इसमें पानी देने का ये हो गया कि पानी आपको हमेशा जड़ में देनी है, ऊपर से ज़्यादा स्प्रे नहीं करना। दूसरा है फ्रेंड्स इसको रखने का जो प्लेस है, इसकी जो प्लेसिंग होती है, आप हमेशा कोशिश करें कि ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पे इसको मतलब 2-3 घंटे की थोड़ी धूप लगे, और बाकी सारा दिन इसे प्रॉपर लाइट लगे, लेकिन इसे ज़्यादा कड़ा धूप ना लगे, क्योंकि ये ज़्यादा कड़े धूप में अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं फ्रेंड्स। मैंने इसके 4-5 प्लांट्स लगाए थे, बट ये जो 3-4 प्लांट है यही मेरे सर्वाइव किए हैं, क्योंकि मैंने आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सोलर प्लेट लगा हुआ है, और इसके नीचे मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है, प्लेस किया हुआ है यहाँ पे। इसको सुबह की धूप लगभग 10-11 बजे तक की धूप इसको अच्छे से लगती है, फिर उसको प्रॉपर लाइट लगती है, बट हालांकि इसको ह्यूमिडिटी, बारिश सब कुछ में ये यहाँ पे रहते हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बस कड़े धूप से इसको बचाना होता है। 2-3 प्लांट मैंने और जो इसको धूप में रखे थे और क्यारियों में लगाए थे वो मेरे सर्वाइव नहीं कर सके, वो बिल्कुल धूप से जल गए। तो फिर मैंने इसको जो गमले में लगाया हुआ था, तो और कोशिश करें अगर आप इसको प्लांट को लगा रहे हैं तो आप बड़े बड़े गमलों में ही इसको लगाइए, क्योंकि आप इसको इसका अगर जो प्लेस है इसको आप चेंज कर सकते हैं अगर गमलों में है तो, अगर आप क्यारियों में लगा दीजिएगा तो फिर उसको आपको हटाना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में कई बार मौसम के प्रभाव से ये प्लांट काफ़ी नाजुक होते हैं तो ये झेल नहीं पाते, जैसा कि मेरे साथ हुआ। तो फ्रेंड्स आप ये गलती ना करें, और कोशिश करें कि आप बड़े से गमले में ही इसको लगाएं, अगर गमले आपके पास नहीं है तो आप बड़े बकेट में भी लगा सकते हैं। जैसा कि देखिए आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए ये एक बड़ा सा बकेट है 20 लीटर वाला, और इसमें मैंने आम लगाए हैं, ये देखिए इसमें छोटे छोटे आम भी हैं, और ये देखिए ये आप देख रहे हैं अनार का पेड़ है, ये भी एक ड्रम था जिसको मैंने इसका ऊपर का पोर्शन कट करके मैंने लगाया, ये देखिए इसमें अनार भी लगे हुए हैं, ये देखिए
ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें अनार लगे हुए हैं और ये धीरे धीरे पक भी रहे हैं। तो इस तरह से आप आराम से कोई भी बड़ी बाल्टी हो या इस तरह के जो आपके फेंके हुए काफ़ी पेंट वगैरह के बकेट होते हैं उसमें भी आप ये बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। उसकी जो बेस होती है उसमें 2-3 ड्रिल मशीन से आप छेद कर दीजिए। अगर ड्रिल मशीन आपके पास नहीं है फ्रेंड्स, तो कोई भी मोटी सी लोहे की सरिया वगैरह को आप हीट कर लीजिए थोड़ा सा गर्म करके, और उससे चूँकि वह प्लास्टिक की होती है उसके बाद उसको आप होल्ड कर सकते हैं आराम से। और इस काम को करने में थोड़ी सावधानी बरतिए क्योंकि हाथ जलने का भी डर रहता है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं और उसको भी गमले की तरह यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम गमलों में ही इसको लगाएँ। इस तरह से देखिए, मैंने एक अमरूद का पेड़ लगा के रखा है और यहाँ पर जिसमें देखिए आप ये ग्रोथ हो रही है, और इसको भी मैंने बाल्टी में ही लगाया है। ये सारी बाल्टियाँ मेरी घर के पेंट वाली सारी रखी हुई थी जो बेकार पड़ी हुई थी, तो उसमें मैंने इसको लगाया है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे शिमला मिर्च की। तो मैंने आपको ये बताया कि इसकी मिट्टी कैसे बनाइए आप, है ना, और उसके बाद फिर इसको लगाने के बाद इसको पानी कैसे डालना है, प्लेस कैसे करना है। अब बात करते हैं इसको प्रॉपर फर्टिलाइजेशन की। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरे इस प्लांट में मैंने अभी तक सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ही जो मिट्टी में मिलाया था वही डाला हुआ है, इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं देती हूँ। हाँ, 15-20 दिन के अंतराल पे मैं इसमें जो मैंने आपको पहले बताया था लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, जिसमें आप एक थोड़ा सा गोबर की खाद ले लें। अगर गोबर आपके पास नहीं है सड़ा हुआ तो आप उसके जगह पे उपले अगर है आपके पास तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। 1-2 उपले आप डाल सकते हैं, एक किसी बाल्टी में आप डाल दीजिए, और उसके बाद आप उसमें एक मुट्ठी सरसों की खली डालिए और एक मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी नीम की खली, और इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से सड़ने दीजिए 2-3 दिन तक। उसके बाद इसका जो पानी होगा इसको निकाल के जितनी क्वांटिटी के ये पानी होंगे वो उसको उनके 5 गुना पानी के साथ मिक्स करके आप इसको किसी भी फ्रूट में या फ्लावर में आप डाल सकते हैं। इससे इसकी फ्रूटिंग भी बूस्ट होगी और इसको सफिशिएंट पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो ये एक रेगुलर बेसिस पे आप करते रहिए। ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई आपको अलग से कुछ केमिकल नहीं है, और ये आप बिल्कुल रेगुलर यूज़ कीजिए। इसके अलावा आप नीम ऑयल को पानी में मिलाकर लगभग 1 चम्मच नीम ऑयल को आप 1-2 चम्मच नीम ऑयल ले लीजिए और स्प्रे बॉटल में डाल के और उसको भर लीजिए 1-2 लीटर पानी में और उसको स्प्रे कर दीजिए। तो ये बहुत ही काम का रहता है, और बस इतने में ही आपके ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं बात करने जा रही हूँ इसमें फर्टिलाइजेशन क्या करना है। तो आइए देखते हैं मैं इसको आज क्या फर्टिलाइज करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे पास जो किचन कंपोस्ट मैं बनाती हूँ वही किचन कंपोस्ट ये है, और इसको मैंने लिया है क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिट्टी भी मुझे डालनी है। मिट्टी बहुत कम हो गई है, काफ़ी पहले मैंने लगाया था उसके बाद मिट्टी भी इसमें नहीं डाली है, तो इसके साथ साथ इसलिए मुझे मिट्टी डालनी थी तो मिट्टी के जगह पर मैं इसको किचन कंपोस्ट ही डाल रही हूँ। देखिए बिल्कुल कितनी अच्छे से डिकम्पोज हुआ ये किचन कंपोस्ट है, बिल्कुल मिट्टी की तरह ही ये हो गया है। तो ये मैं यूज़ करने वाली हूँ। इसके अलावा मैं जो इसमें यूज़ करूँगी थोड़ी सी मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट दूँगी क्योंकि मेरे पास अभी ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट नहीं है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं थोड़ी सी ही इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा ये मेरे पास नीम की खली है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मैं इसको यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, जिससे कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। इसमें फ्रेंड्स मैंने 3 चीज़ें यूज़ की हैं, मैं आपको बताऊं। इसमें मैंने थोड़ी सी बिल्कुल 1/2 चम्मच की मात्रा में मैंने पोटास यूज़ किया है, और साफ इंसेक्टिसाइड लिया है जिससे कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे, मिट्टी में भी नहीं लगेंगे और जो प्लांट है उसमें भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। चूँकि बरसात का मौसम है तो मुझे नीम की खली के साथ साथ थोड़ा केमिकल भी यूज़ करना होगा कीड़ों से बचाव के लिए। इसके अलावा मैंने इसमें लगभग 10-12 दाने DAP के यूज़ किए हैं। अगर आप DAP यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो जो पत्थर होता है, जैसे आप
क्या बो मैं बोल सकती हूँ, गिट्टी वगैरह जो होते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ होते हैं उसका जो पाउडर फॉर्म होता है वो यूज़ कर सकते हैं, रॉक फॉस्फेट जिसको कहते हैं। आप जाके सीड वगैरह के या फर्टिलाइज़र के दुकान पे भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, और रॉक फॉस्फेट के नाम से वो आता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है और मैं उसको यूज़ करती भी नहीं हूँ, और DAP मैंने इसमें 10-12 दाने दिए हैं जिससे कि इसमें फ्रूटिंग थोड़ी सी बूस्ट हो जाएगी और इसके जड़ों को काफ़ी मतलब कि बूस्टिंग मिलेगी, न्यूट्रिशन मिलेगा। तो इस तरह से मैंने इस किचन कंपोस्ट में इसको अच्छे से मिला दिया है, और ये किचन कंपोस्ट जो है ये ऑलरेडी एक खाद है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं लेकर इस मिट्टी को पूरी तरह से इसमें डाल दूंगी, जो कि खाद और मिट्टी दोनों का काम ये करेगा, और ये मैं इस तरह से इस पर बिल्कुल चारों तरफ से मैं बिछा दे रही हूँ। तो बस ये इस तरह से मैंने इसको बिछा दिया और ये बिल्कुल ये तैयार है। और फ्रेंड्स, चूँकि बारिश काफ़ी हो रही है तो मैं इसमें इस भी प्लांट में मैं थोड़ी सी दूंगी, इसमें हल्की मिट्टी ऊपर तक है लेकिन मैं खाद चूँकि इसमें मिला चुकी हूँ तो इसको थोड़ा सा इसमें मैं दूंगी। ये एक प्लांट देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। ये बहुत छोटा मैंने अलग से लगा के रखा था तो ये थोड़ा ग्रो कर रहा है, इसको मैं बड़े गमले में लगाऊंगी, बट इसमें कलियां पकड़ ली हैं अच्छे से। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें फ्लावरिंग मिट्टी को इस तरह से आप ढक दे पूरी जड़ों को, और ये आपकी फर्टिलाइजिंग हो गई। आप इसमें अभी मैं पानी नहीं दूंगी क्योंकि मिट्टी काफ़ी मॉइस्ट है और बारिश का मौसम है, तो इसमें जैसे जैसे आप पानी दीजिएगा आराम से इसमें जो फर्टिलाइज़र है धीरे धीरे रिलीज होता जाएगा और प्लांट बूस्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, आपके लिए जानकारी ले दायक होगी, और आप ज़रूर इसके इससे लाभ लेकर और इससे जानकारी लेकर अपने यहाँ शिमला मिर्च उगाएंगे और उसकी पिक ज़रूर कमेंट्स में डालेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कुछ आपकी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझे, और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उन सबका जवाब दूँ। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।